नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकाड़ो से, हैप्पी लाइफ विथ बोकाड़ो गार्डन में आज आपसे बकला की सब्जी बनाकर शेयर करने जा रही हूँ। इसकी सब्जी जितनी टेस्टी होती है उतने ही ये फायदेमंद भी होती है। ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो इस बकला को आपको जो छीलने हैं, इसमें थोड़ी सी मुझे बात करनी है कि इसको धोकर और छीलने में आपको इसको दोनों किनारे जो देख रहे हो इससे आपको पकड़ के ऐसे करके आपको छीलनी है, यानी इसमें एक धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह की संरचना इससे निकलेगी दोनों तरफ से। तो इसको इस तरफ से दोनों ये उल्टे साइड में इसको करना है और इस तरह से इसको इसके धागे को निकाल लेना है। अब मैं बात करती हूँ कि उसके बाद आपको इसको कट कर लेना है। दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर बकला रखी है जो 200 ग्राम है, और यहाँ 200 ग्राम आलू भी रखे हुए हैं, 2 हरी मिर्च मैंने काट कर रखी हुई है। साथ ही आप यहाँ टमाटर देख रहे होंगे, और फोड़न में डालने के लिए तेजपत्ता, 1 चम्मच जीरा और 1 लाल मिर्च मैंने यहाँ डाली है। साथ ही यहाँ धनिया पत्ती दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको प्याज रफली कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हरी मिर्च है, और ये लहसुन के कुछ जबे यहाँ छील कर रखे गए हैं, अदरक के कुछ टुकड़े हैं। इसमें मैं 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अगर तीखा खाते हो कम तो आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसके बाद रख रहे हैं लहसुन, इसके बाद अदरक के टुकड़े। इसी में मैं और भी मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मैं इसमें सब्जी मसाला डाल रही हूँ। अब आप इसमें लाल मिर्च चाहते हैं रखना तो रख सकते हैं, अगर तीखा नहीं खाना है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। चूँकि हरी मिर्च हम लोगों ने डाली है इसलिए मैं लाल मिर्च इसमें कम डाल रही हूँ। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब्जी को तीखा तो नहीं बनाता है लेकिन बहुत बढ़िया कलर ये लेकर आता है सब्जी में। दोस्तों, अब इसकी पेस्ट अलग से बना लेनी है, और टमाटर का प्यूरी अलग से बना लेना है। दोस्तों, मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में 3 चम्मच मैंने तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, तेजपत्ते के मैंने जो टुकड़े बनाए हुए थे उसको मैं डाल दी हूँ, और मिर्च जो लाल मिर्च थी एक उसको मैं डाल रही हूँ। दोस्तों, अब 2 हरी कटी हुई मिर्च इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों, मैं अब यहाँ आपको दिखलाऊँ कि ये बकला है और आलू है, इसको आप अलग अलग भी भून सकते हैं और एक साथ भी मिलाकर भून सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आलू को इसमें डाल दे रही हूँ। दोस्तों, 1-2 मिनट के बाद अब इसमें बकला को डाल देते हैं। इसको जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, केवल इसका जो थोड़ा सा इसमें कलर बदल जाए इतना इसको भूनना है, यानी 3-4 मिनट तक आपको इसको भूनना होगा, और गैस को आपको फ्लेम को कम रखनी होगी। दोस्तों, ये 5 मिनट भूनने के बाद आप देख रहे होंगे कि दोनों का कलर चेंज हो गया है, आलू का भी और बकला का भी, और ये धीमी आंच पर ही भुनी गई है। अब इसको बाहर किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तेल बची हुई थी उसी में मैं इसको चढ़ा दे रही हूँ, और 1 पिंच मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। साथ ही आपने जो प्याज देखे थे उस प्याज को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दोस्तों, प्याज को अच्छी तरह से भून लेनी है, आप देख रहे होंगे कि ये पारदर्शी हो गया है।
थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, जले नहीं, थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, इतना आपको इसको भूनना है। ये कि प्याज का कलर इस तरह का हो गया है। अब जो मसाले पीस कर आए हैं उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों मसाले को भी आपको लो फ्लेम पर ही भूनना है। आप इसको बीच बीच में थोड़ी सी ढक करके भी भून सकते हो। दोस्तों मसाले आप देख रहे हैं इस तरह से भून गए हैं, बल्कि ये थोड़ा अच्छी तरह से भून गया है। ये 3 मिनट मैंने इसमें दिए हैं और अब मैं इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ। टमाटर का मैंने प्यूरी बना लिया था। दोस्तों टमाटर का प्यूरी डालने के बाद अब इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें, मैं 1 चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ। इसको मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट होने जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि ये अच्छी तरह से भून गया है, साथ ही ये तेल भी छोड़ना शुरू कर चुका है। इसमें बगल से आपको तेल छोड़ते हुए नज़र भी आ रहा होगा और इससे सुगंध भी आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ जो बकला और आलू जो रखा हुआ है भून करके, इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दोस्तों अब इसको मसाले में अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक चलाकर आपको मिला लेनी है और यहाँ पर फ्लेम को थोड़े से आप मीडियम में भी कर ले सकते हो और इस तरह से, ताकि ये इसमें मसाले अच्छी तरह से हर एक में जितना भी आलू है बोकला है उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर जाए, लग जाए और 1-2 मिनट इस तरह से इसके साथ में भुना भी जाए। इसलिए इसको 2 मिनट आपको इस तरह से भून लेनी है। दोस्तों अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ, तो ये मसाले का पिसा हुआ पानी है। साथ ही मैं इसमें देख रही हूँ कितना पानी और लेगा, उसके अनुसार 1 गिलास पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिए हैं और इसको अब ढक करके पकानी है। ढक कर पकाने में इसमें आपको बीच में 1-2 बार चेक भी कर लेना होगा। ये 7-8 मिनट तक ये समय ले सकता है, क्योंकि फ्लेम को हम लोग लो पर फिर से करने वाले हैं। दोस्तों अब इसको हटाकर देख लेते हैं। मैंने इसको 1-2 बार चला भी दिया था, अब देखते हैं कि ये किस तरह का तैयार हो गया है। कुछ खास देखने की बात नहीं है इसमें, आपको केवल आलू को टच करके देख लेना है कि पक गए हैं या नहीं। तो एक कोई चीज़ लीजिए और इससे आलू को आप ऐसे करके चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से पक गया है। मैं एक बार बीच में पहले भी इसको चेक कर चुकी हूँ, उस समय ये पका नहीं था, अभी ये बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। दोस्तों 1 चम्मच अमचूर है जो इसको बहुत स्वादिष्ट इसमें लगता है और अमचूर को पकने के बाद ही डालते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला है, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती है, थोड़ी देर चला देनी है ताकि सब आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं और इसमें लिपट जाएं सारे। और इसको मैं अब 1-2 मिनट के बाद मैं इसको गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको किसी पॉट में निकाल लेती हूँ। दोस्तों अब बकला और आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, बहुत अच्छी स्वादिष्ट ये लगती है। और बस मैं इसी के साथ अब चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।